दिन बुधवार का था। सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीरें आई, लेकिन कार्यवाही आगे बढ़ी तो हालात बदल गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी पहली स्पीच में आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव ले आए। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। स्पीकर के मुंह से जैसे ही आपातकाल शब्द निकला, कांग्रेस के सांसद आपे से बाहर हो गए। विरोध शुरू हो गया, हंगामा हुआ, लेकिन स्पीकर तत्कालीन इंदिरा सरकार को शब्दों के जरिए घेरते रहे। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। आपातकाल पर जब ओम बिरला तत्कालीन सरकार को खरी खोटी सुना रहे थे तो विपक्ष की तरफ से सिर्फ कांग्रेस के ही सांसद विरोध करते देखे गए, बाकी दल के सांसद अपनी कुर्सियों पर डटे रहे। स्पीकर ने कई बार इंदिरा सरकार का जिक्र किया। से भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया। स्पीकर ने करीब 8 मिनट तक पूरा निंदा प्रस्ताव इसी तरह विरोध और हंगामे के बीच पढ़ा। आखिर में 2 मिनट का मौन भी रखवाया और लोकसभा की कार्यवाही को 27 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। संसद के अंदर विरोध थमा तो बात सड़कों पर पहुंच गई। एनडीए के सांसद पोस्टर बैनर लेकर लोकसभा के मकर द्वार पर जमा हो गए। नारेबाजी हुई और कांग्रेस को घेरा गया। लोकसभा के माध्यम से जो बातें कही, ये देश को जानने वाली बात है। तो 26 जून वो दिन है जिस दिन की इमरजेंसी लागू है। ये एक ऐसा काला अध्याय है जो कि इतिहास में दर्ज है और इससे हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो ब्लैक पीरियड क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे था, वो एक बार हमें फिर से दोबारा याद करना चाहिए। तो इसीलिए स्पीकर साहब ने उस चीज़ के जिक्र किए हैं। एनडीए का सीधा निशाना विपक्ष के उस मुद्दे पर है जो संविधान की शक्ल में उठाया जा रहा है। जवाब में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी आए और मौजूदा वक्त को अघोषित आपातकाल बता डाला। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कौन सी वजह जो आजकल मोदी साहब ने लगा रखी है, यहाँ मुख्यमंत्री तक सब अंदर है, झारखंड मंत्रीगण अंदर है, किसी को सत्ता की अभ्यक्त नहीं, बुलडोजर चल रहे हैं। वास्तविकता में जीना चाहते हैं तो आज प्रेजेंट की बात करनी चाहिए। तो भूतकाल की बात ना करते हुए प्रेजेंट की बात करते हुए भविष्य बदलने की अगर बात करें तो अच्छा होगा। ये राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है आप इस प्रकार से, मैं समझता हूँ आज जो किया गया सदन में वो शायद इस सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाने का कार्य किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।